नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्मिता और आज हम बात करेंगे एक अजीब पेड़ के बारे में जिसमें उगती है लड़कियाँ। ये भारत के हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। इस फूल का नाम है नारीलता। नारीलता अर्थात नारी के आकार की लता। ये दिखने में नग्न महिला की तरह होती है। यह फूल आर्केडेसीय परिवार के अंतर्गत हावेनरिया प्रजाति से आती है। हावेनरिया की समस्त प्रजाति ट्यूबर युक्त स्थलीय आर्किड होते हैं। इस फूल की विशेषता है कि यह दो दशकों में एक बार यानी 20 वर्ष के अंतराल पर एक बार खिलती है। श्रीलंका में स्थानीय भाषाओं में लियाथाब्रा माला के नाम से विख्यात इस फूल की प्रजातियां 10 प्रकार पाई गई है, जिनमें से 5 देशज है। थाईलैंड में इसे नारीपोल कहा जाता है। ये अत्यधिक आश्चर्यजनक और दुर्लभ किस्म का फूल है। नारीलता के पेड़ को हॉली ट्री भी कहा जाता है। इस पेड़ के साथ बौद्ध मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। उनके अनुसार इस पेड़ को भगवान ने खुद थाईलैंड के हिमाफोन नाम के जंगल में लगाया था। मान्यता है कि सदियों पहले इंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इसी जंगल में रहते थे। एक बार उनकी पत्नी वसुंधरा जी जंगल में फल तोड़ने के लिए गई थी तो कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी रक्षा के लिए इंद्र ने इस जंगल में नारीलता के 12 पेड़ तुरंत उगा दिए और उनको धोखा देने के लिए इस पेड़ पर ऐसे फूल लगाए जिनका आकार दिखने में महिला के शरीर के जैसा हो। इंद्र की योजना काम में आई। उनकी पत्नी देवी वसुंधरा जी सुरक्षित वापस लौट आई, पर वो शैतान उन फूलों को देखकर धोखा खा गए और वो उन्हें अपने साथ ले गए और जिन्होंने भी उनके साथ संबंध बनाए वो 4 महीने के लिए गहरी नींद में सो गए। और इसी वजह से इन पेड़ों पर महिलाओं के शरीर के आकार वाले फूल उगते हैं। ये मान्यता कितनी सही है और कितनी गलत ये तो नहीं पता, पर ये फूल सच में प्राकृतिक रूप से ऐसी ही है या इंसानों ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ किया है इसकी जानकारी नहीं मिली है। ये फूल जब सूख जाते हैं तो दिखने में मम्मी जैसी लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि पूरी दुनिया में ये पेड़ 7 या 8 ही मौजूद है। नारी के स्ट्रक्चर की इस मूर्ति को कुछ लोग फेक भी कहते हैं क्योंकि इस फूल के बारे में अभी भी कोई सही जानकारी नहीं मिली है। ये फूल हम सब के बीच आज भी कौतूहल का विषय है। आपको इस फूल के बारे में क्या पता है, कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।